नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। न्यूज हिंद में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। दिल्ली में होटल की छत से गिरकर 48 साल के एनआरआई बिजनेसमैन की हुई मौत, देखें ये रिपोर्ट। लुटियन दिल्ली में स्थित ताज मानसिंह होटल की छत पर दुर्घटनावश गिरने से 48 वर्षीय एक एनआरआई कारोबारी की मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने ये पाया कि अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले नरेंद्र ए मंगलम घटना के समय नशे की हालत में थे और छत पर स्थित बगीचे में गए थे। संभवतः मंगलम संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए। मंगलम होटल में 6 नवम्बर को देर रात 2:30 पर आए थे और 8 नवम्बर को यहाँ से जाने वाले थे। उनका शव 7 नवंबर को रात 11:45 पर 7 नवंबर को मिला। लॉबी से 2 मंजिल ऊपर छत पर स्थित बगीचा है। पुलिस ने बताया कि यहां कोई दीवार और ग्रिल नहीं है। पुलवामा में सेना ने ढेर किए 2 लोकल आतंकी, देखें ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में हुई। सेना के सूत्रों के मुताबिक तिकैन गांव में हुई इस मुठभेड़ से 2 दहशतगर्द मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह को सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली कि तिकैन इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। तुरंत ही राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाने लगी। जवाबी हमले में 2 आतंकी मारे गए। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान भी हो गई। सेना के मुताबिक एक शख्स का नाम लियाकत अहमद है जबकि दूसरे आतंकी का नाम वासित है। लियाकत अहमद पुलवामा के निचले इलाके का रहने वाला था और दूसरा आतंकी वासित भी पुलवामा का था। राजा भैया ने अनेरा के पूर्व ग्राम प्रधान और वरिष्ठ समाज सेवी मल्लू महाराज जी के निज निवास में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, देखें ये रिपोर्ट। अनेरा के पूर्व ग्राम प्रधान व वरिष्ठ समाज सेवी मल्लू महाराज जी का बुधवार देर रात आकस्मिक निधन होने पर श्री राजा भैया जी ने उनके निज निवास पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की एवं उन्हें ढांढस बंधाया। अलवर में 11 साल की मासूम को बंधक बनाकर किया रेप, देखें ये रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने यहां 4 दिन तक पीड़िता को बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता की डॉक्टरी जांच कराई। थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने बताया कि हड़ताल क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर मामले की ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोगों को एक थाने से दूसरे थाने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। बरेली में चालक का संतुलन बिगड़ने से दरोगा की हुई मौत, देखें ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में दरोगा पद पर तैनात श्रीकांत उपाध्याय की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना शनिवार तड़के सुबह 3:04 पर हुई। चेकिंग के दौरान सामने से आ रहे ट्रक की लाइट से कोतवाली पुलिस की जीप का चालक अपना संतुलन खो बैठा और गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे दरोगा श्रीकांत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में बैठे अन्य पुलिस के जवान घायल हो गए। घायलों को सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये थे दिन भर की कुछ खास खबरें। मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ दिख रहे न्यूज हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।